मॉर्निंग गाइस, एक नए दिन एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है और अभी हम लोग हैं जोशी मठ में और आज जा रहे हैं हम लोग अभी बद्रीनाथ। अरे यार कैसे लोग हैं, रूम के सामने कप छोड़ देते हैं। देखो अरे क्या करना है। तो भाई ये पूरा अपना जोशी मठ दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपको जो ये दिख रहा है रेड वाला, ये वो ना जब यहाँ पे स्नो होती है तो लोग स्कीइंग के लिए करने आते हैं, तो उसी से वो पूरा प्रॉपर वॉली तक जाते हैं। और ये सुबह सुबह कुछ दिख रहा है बढ़िया सा व्यू। ये है ना ये धुंध के कारण, चलो आज तो थोड़ा क्लियर है, ऐसे धुंध के कारण कभी कभी क्लियर भी नहीं दिखता। ये अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नए दिन एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है और अभी हम लोग हैं जोशी मठ में और आज जा रहे हैं हम लोग अभी बद्रीनाथ। अरे यार कैसे लोग हैं, रूम के सामने कप छोड़ देते हैं। देखो अरे क्या करना है। तो भाई ये पूरा अपना जोशी मठ दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपको जो ये दिख रहा है रेड वाला, ये वो ना जब यहाँ पे स्नो होती है तो लोग स्कीइंग के लिए करने आते हैं, तो उसी से वो पूरा प्रॉपर वॉली तक जाते हैं। और ये सुबह सुबह कुछ दिख रहा है बढ़िया सा व्यू। ये है ना ये धुंध के कारण, चलो आज तो थोड़ा क्लियर है, ऐसे धुंध के कारण कभी कभी क्लियर भी नहीं दिखता। ये अच्छा लग रहा है। तो यार हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया और अब हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। हाँ बद्रीनाथ के निकल रहे हैं, तो सब लोग बोलो हर हर महादेव। हाँ कीर्ति कुछ तो अच्छा बोली, बड़ा बढ़िया था। और अब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ पे अपना। देखो यार दर्शन का शायद जुगाड़ भी हो गया है, सब कुछ ठीक रहेगा, विष्णु भगवान चाहेंगे तो दर्शन हो जाएगा हमारा। और फिर रास्ते में कुछ अच्छा होता है तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो यार हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं जय बद्री विशाल द टफ वन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जितना भी है ना हर तरफ मिलिट्री का और आईटीबीपी का कैंप बना हुआ है। और सामने पहाड़ देखो भाई साहब, गजब ही लग रहा है, फर्स्ट क्लास। और इतनी तेजी से गाड़ियाँ आ रही है ना यहाँ पे कि पूछिए मत। सामने से तो चढ़ाई पे लग रहा है कि चढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो लोग, उतर रहे हैं, इतना तेज गाड़ी चला रहे हैं रोलर कोस्टर के जैसे। रुक जा भाई, सुबह सुबह लोग वापस आ रहे हैं। हाँ तो यार 5 बजे निकल गए होंगे ना दर्शन करने। नहीं और वो भी नहीं, तो हम लोग आ गए यहाँ पे विष्णु प्रयाग और ये यहाँ पे आगे है जयप्रकाश पावर पॉइंट। तो यार बढ़िया है, सामने से ये पंजाबी लोग भी इधर बहुत आते हैं क्योंकि इधर हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा है, वहाँ पे इनकी तीर्थ यात्रा होती है, वो भी बद्रीनाथ के बगल में है। इस रोड पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है लेकिन दोस्तों ये कुछ व्यू है यहाँ पे रोड का, मस्त दिख रहा है। और सामने रोड भी बंद है तो फटाक से हम लोग, अरे अरे सामने वो रोड पतला है ना, सब गाड़ी वेट कर रही है। बढ़िया दिख रहा है एकदम। हाँ बहुत स्लो है ये यार। देखो ये पूरा पुल है, विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर यहाँ प्लांट है 400 मेगावाट्स का, और बद्रीनाथ बचा है अब मात्र 35 किलोमीटर। और अब रोड की कंडीशन अच्छी होने वाली है, रोड बढ़िया हो गई है, चौड़ी हो गई है और बहुत दूर तक दिख रहा है यार। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बहुत दूर तक अमेजिंग दिख रहा है। वाओ यार ये ना रील में बहुत अच्छा दिखेगा, ये ऐसे ही बना लो लगी, बहुत बना लिया 15 सेकंड। हाँ वही ना 15-20 सेकंड का तो बहुत था। हाँ उधर ना यार, तो यार यहाँ बच्चे एकदम नरक मचाए हुए। और अभी हम लोग हैं बद्रीनाथ के मस्त रोड पे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई साहब, और बगल से भी जो पहाड़ चल रहे हैं यार क्या अमेजिंगली गुड है यार, मतलब इतने अच्छे व्यूज हैं यहाँ पे रास्ते में, बहुत बढ़िया है। लौटते टाइम तो हम लोगों ने पूरा बना भी लिया कि कहाँ कहाँ रुकना है हमें, और कहीं कहीं रोड अंडर कंस्ट्रक्शन भी है वो भी दिख रहा है। अरे जो भी बोलो पीआरओ की दाद देनी पड़ेगी, इतना बढ़िया रोड बनाया है। और देखो यहाँ पे मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। देखो हम लोग क्रेन के अंदर से जा रहे हैं और उधर टूट रहा है, मतलब इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि ट्रैफिक भी ना रुके, काम भी होता रहे और जल्दी काम हो, बढ़िया काम हो। और एक आ रहा है मस्त व्यू शानदार सा, और
थोड़ा और एक्चुअली पता है कटा भी हम लोग बद्रीनाथ पहुंचने वाले यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर बचा है। और रोड देखो यार एकदम पतली सी रोड और बगल में दिख रहा है आपको पूरा एकदम मस्त पूरा पहाड़ है मतलब पानी चल रहा है। और ये देखो यार पूरा काटा काटा हुआ पूरा पहाड़ है यार क्या सही व्यू है यार। तो भाई लोग हम लोग बद्रीनाथ के बहुत करीब आ गए हैं और यार रोड देखो यार मतलब ऐसी ऐसी रोडें बनी हुई है ना बगल में देखो एकदम खाई चल रही है मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। लेकिन देखो यार आप लोगों से इतना प्यार है इसलिए ब्लॉग बनाते रहते हैं दिखाना भी ज़रूरी है भाई अपनी फैमिली को क्या चल रहा है कैसे चल रहा है कितना बढ़िया रोड है कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँच सकते हैं जा सकते हैं। हमारे देश में भी घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई हैं बहुत ज़्यादा बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। पिंक कलर का पूरा पौधा है तो यार हम लोग बद्रीनाथ शहर में एंटर कर चुके हैं और अब बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यार मतलब कि इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है ना कि कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला कुछ नहीं मिला इन्होंने प्रॉपर पास का सिस्टम बनाया हुआ है ऑनलाइन पास निकालिए और आइए बिना पास के आप नहीं आ सकते हो भाई यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार बहुत बढ़िया। भाई लोग अभी फाइनली हम लोग बद्रीनाथ में पहुँच गए हैं ठंडी है हवा अच्छी चल रही है और देखो वो जोशीमठ से रास्ता आता है इधर से नीचे जाना होता है यहीं पर यहीं कहीं गाड़ी अच्छी जगह पार्किंग में लगा दो और थोड़ा सा वॉक करके आपको मंदिर के तरफ जाना है। और ये देखो ये पूरा दिख रहा है ना ये बर्फ़ के पहाड़ वही है जो हमारे होटल से थोड़े थोड़े दिखते थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। इधर देखो ये वाला तो अमेजिंग लग रहा है ये वाला। लोग आ गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के एकदम करीब पता नहीं किधर जाना है बस पहुँचेंगे बद्रीनाथ मंदिर। और ये देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है और इधर से रास्ता जा रहा है टेम्पल की तरफ। ये थोड़ी सी ढलान है इसके बाद वो जो आप लोगों को सामने दिख रहा है ना वो वहाँ पे है वो बद्रीनाथ टेंपल। क्या भीड़ है भाई साहब बढ़िया भीड़ है एकदम फर्स्ट क्लास। ये कुछ यहाँ का सुंदर सा नज़ारा है बढ़िया दिख रहा है उधर से उतना दूर घूम के जाना होता। और इधर ये हमारी VIP एंट्री हो गई अंदर और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर की तरफ। यार एंट्री तो हो गई लेकिन हम लोग मंदिर में जो जाएंगे वो अपनी श्रद्धा भाव से जय मंदिर में जैसे पहुंच जाएंगे पहुंचेंगे और अपना दर्शन करेंगे जय हो जय। ये है बद्रीनाथ का टेंपल सब लोग यहाँ पे भैया अच्छे से दर्शन कर लो विष्णु भगवान का मंदिर है बहुत अच्छा मंदिर है बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और वाइब भी यहाँ की अलग है यार पॉजिटिविटी जो कहते हैं ना वही अलग है यहाँ की बहुत बढ़िया है। यार ये है कुछ व्यू बद्रीनाथ टेंपल का इतना अच्छा दिख रहा है पहाड़ को कटते हैं। इधर आप देख रहे हैं ना घाट बन रहा है और वॉकिंग के लिए बन रहा है बहुत बढ़िया बन रहा है यार। और ये पुल है इधर से आपको और दिखाता हूँ ये और वो जो पीछे दिख रहा है ना आपको टिन वहाँ से लाइन लगती है पूरे जाते हैं। और ये कुंड है यहाँ पे आप नहा के भी दर्शन कर सकते हो दर्शन करके भी नहा सकते हो जैसी मर्जी आपकी। और ये हम लोग जा रहे हैं अब माना के और बद्रीनाथ का दर्शन हो गया बहुत बढ़िया दर्शन हुआ वहाँ पे लंच भी कर लिए हैं। आप जा रहे हैं माना ऊपर तो ऐसा थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं जाम है अदरवाइज रास्ता तो पूरा खुला हुआ है। और बद्रीनाथ से आना तो माना जरूर जाना क्योंकि माना इट इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया और वहाँ पे सरस्वती रिवर का भी मतलब वो वहीं से निकलती है फिर पाताल में चली जाती हैं। और दूसरा जी ना वहाँ पे ग्लेशियर टूट के गिरा हुआ है तो वो ग्लेशियर भी दिखता है। और वो देखो यार ऊपर झरना आ रहा है। ये है यार फर्स्ट इंडियन विलेज माना पहले इसको कहा जाता था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया अब मोदी जी ने इसको कर दिया फर्स्ट इंडियन विलेज माना। ये देखो लग रहा है ये और आगे ना बहुत ट्रैफिक है ऐसा लग रहा है बद्रीनाथ का सारा ट्रैफिक यहीं आ गया है। यहाँ पे देखो मस्त ये छोटा सा झरना जहाँ पाइप लगा है और लोग हाँ चढ़ जाते हैं और लोग वहाँ पे कार धो रहे हैं अपना वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है यार लोग वहाँ नहा रहे हैं आप जा रहे हैं कार धोने पर ठीक है क्या कर सकते हैं। दोस्त यार ये अभी हम लोगों ने अपने 360 कैमरा लगा दिया ऊपर और लूप मोड पे डाल दिया वीडियो बनेगी मस्त
और ये कुछ ऊपर का सीन है, देखते रहो यार। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऑफ रोडिंग स्पैच करके पार करके आए थे नीचे, और नदी के पास भी गए, उसका तो ब्लॉग आप लोगों को देखने मिल गया होगा। यहाँ पे ये एक छोटी सी ऑफ रोडिंग पैच करते हुए हम लोग जा रहे हैं ऊपर। मस्त है यार, आओ धीरे भैया बद्रीनाथ आने, टाइम लेके आओ, ठीक है, दर्शन भी करो और साथ में एंजॉय भी करो। बढ़िया जगह है यार, एकदम फर्स्ट क्लास। और हमने यहाँ पे चाय पिया था, बहुत बढ़िया था, दादा ने चाय पिलाया था नीचे। ये आ गया फाइनली हमारा नॉर्मल रोड, हम लोग निकल पड़े हैं जोशी मठ की तरफ यार। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऑफ रोडिंग स्पैच करके पार करके आए थे नीचे, और नदी के पास भी गए, उसका तो ब्लॉग आप लोगों को देखने मिल गया होगा। यहाँ पे ये एक छोटी सी ऑफ रोडिंग पैच करते हुए हम लोग जा रहे हैं ऊपर। मस्त है यार, आओ धीरे भैया बद्रीनाथ आने, टाइम लेके आओ, ठीक है, दर्शन भी करो और साथ में एंजॉय भी करो। बढ़िया जगह है यार, एकदम फर्स्ट क्लास। और हमने यहाँ पे चाय पिया था, बहुत बढ़िया था, दादा ने चाय पिलाया था नीचे। ये आ गया फाइनली हमारा नॉर्मल रोड, हम लोग निकल पड़े हैं जोशी मठ की तरफ। तो यार यहाँ से आप जो देख रहे हैं ना, ये रोड जाता है श्री हेमकुंड साहिब मार्ग, यात्रा यहाँ से शुरू होती है और फूलों की घाटी भी, और ये रोड जा रहा है बद्रीनाथ, ये रोड जा रहा है जोशी मठ, और ये कुछ व्यू है यहाँ का बढ़िया। और बताओ, दिस इज अ कड़ा, दिस इज अ कड़ा, कहाँ से खरीदे वो बताओ, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे बताओ, मंदिर, कौन सा मंदिर, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ओके, वहाँ पे किसका दर्शन किए, विष्णु जी, वेरी गुड। और फिर उसके भगवान वहाँ कौन से उस रूप में है, बद्री विशाल, बद्री विशाल, ओके। और फिर उसके बाद क्या किए, इसके कला खाए, हाँ खाना खाए, उसके बाद किसी डोसा खाए, ओके, फिर कहीं माना वाना गए थे क्या, अच्छा, और फिर वो नदी मिली थी क्या, नदी मिली थी क्या, तो वहाँ पे क्या किए, खेले मिट्टी में, क्या मिट्टी में खेले। अभी कहाँ जा रहे हो, अभी होटल, होटल कहाँ पे रुके हो, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ रुके हो, जोशी मठ रुके हो, ओके, किस होटल में रुके हो, पता नहीं, मात्र 11 किलोमीटर बचे हैं और हम लोग जोशी मठ पहुँच जाएंगे आधे घंटे में, फिर देखते हैं जोशी मठ में आज क्या कर सकते हैं वहाँ पे। कियान हमारा फ्यूचर ब्लॉगर है, हाय गाइस, बोलो जरा कियान, हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम लोग ना अभी बद्रीनाथ से वापस आ रहे हैं, 10 किलोमीटर बचा है हमारा जोशी मठ का रास्ता। और थोड़ा से अगर बद्रीनाथ के बारे में बताया जाए कि वहाँ पे कैसे जाना है, तो आप बद्रीनाथ कभी भी जाइए ना, तो उत्तराखंड का वेबसाइट है तीर्थ यात्रा का, और उत्तराखंड का टूरिज्म का वेबसाइट है, उस पर प्रॉपर आप पास बनवा लीजिए, पास बनवा के ही आइए बद्रीनाथ, क्योंकि अगर आप बद्रीनाथ पास बनवा के नहीं आएंगे तो फिर जहाँ पे चेकिंग होती है आपकी पास की, वहाँ से आगे एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा क्या, ये टाइम का भी देख लीजिए कि कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो पाठ होता है ना वो 2 घंटे के लिए विष्णु जी का भोग लगाने के लिए बंद हो जाता है। तो हम लोग तो लकीली आपका 11:15 तक पहुंच गए थे, हमारा दर्शन हो गया, लेकिन फिर उसके 15 मिनट बाद ही वो बंद हो गया था। तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा आप देख के आइए। और अगर आपको जोशी यहाँ आना है दिल्ली से बद्रीनाथ, तो कुसौनी करके एक जगह है, वहाँ से भी होके आ सकते हैं,
कसौली आ सकते हैं, फिर आप आके औली में रुकना है तो औली में रुक सकते हैं, जोशी मठ में चाहे तो जोशी मठ में, बद्रीनाथ में चाहे तो बद्रीनाथ में रुक सकते हैं। और पंजाबी भाइयों के लिए भी है कि अगर आपको ये हेमकुंड जो हेमकुंड साहिब जो आप लोग जाते हैं वहाँ भी आना है, तो यही रास्ता आता है और रास्ता बहुत ही अच्छा है। और हमें रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सरदार भाई लोग भी दिखे जो अपनी बाइक से कार से जैसे भी था वो लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे थे। तो फिर आगे बने रहिए और बताते रहेंगे। बारिश थी, बारिश हो रही वाली है, दिखा रहा है रेन एक्सपेक्टेड टू स्टॉप इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, एक्सपेक्टेड टू स्टॉप अभी तो शुरू। तो यार अभी हम लोग आए हैं जोशी मठ के प्रॉपर मार्केट में, ये कुछ मार्केट है यहाँ का, काफ़ी लंबा है वैसे तो, अभी तो हम लोग आधा ऑलरेडी चल दिए हैं। अब यहाँ से यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेके वापस जाएंगे। और हम लोग एक्चुअली खाने का तलाश कर रहे हैं, कुछ अच्छा खाना वाना मिल जाए, मिल नहीं रहा है, अब वापस जाएंगे, पूरा इधर जाना है ऊपर तक चढ़ के। ये हम लोगों का होटल है यार, और अभी तक तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए नहीं थे, अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, रात में आए। और ये पूरा जोशी मठ का पैनोरामिक व्यू है यहाँ पे, मस्त एकदम। ये सामने तो पूरा पहाड़ है, दिख नहीं रहा है, और ये पूरा। तो यार भाई लोग करते हैं इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड। आज हमने बद्रीनाथ कवर किया, रास्ते में बहुत अच्छा घूमे फिरे, सब ब्लॉग में दिखेगा आपको। तो गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।